तो अगर आप लोग पास में इस तरह का कोई सा ब्लूटूथ स्पीकर है, इस तरह का ब्लूटूथ स्पीकर है, या फिर आप लोग पास में कोई ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर है, आप लोग चाहते हैं कि इसमें हम माइक लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फ़ोन आने के बाद में फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में हमें बात करना पड़ता है। लेकिन अब से आप लोग ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों का फ़ोन आया तो आप उसी में बात कर पाएंगे, फ़ोन रिसीव करेंगे और इसी में माइक सेट होगा और आप लोग आराम से बात कर पाएंगे, आप लोगों को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी हो तो आप ऐसा कर पाएंगे। मैंने एक ऐसा सेट कर रखा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अभी इधर उधर बिखरा हुआ, अभी आप लोग समझ में नहीं आएगा, और मैंने एक माइक लगा रखा है जिसमें मैं बोलूँगा हेलो 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 हेलो, तो अच्छा सा इसमें आवाज़ आता है हेलो हेलो। तो फ़ोन अगर आप लोगों का आएगा तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, या फिर इसका थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके किसी बच्चे को दे सकते हैं, उसमें ये गाना वाना भी गाएगा तो आवाज़ आएगा खूब अच्छा। तो ऐसा आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने किसी ब्लूटूथ स्पीकर में आप लोग माइक सेट कर लें और माइक बना करके माइक की तरह यूज़ करें, या फिर उससे बात करने के लिए उससे वैसा यूज़ करें, तो आप लोग को वीडियो में कंप्लीट लास्ट तक बना कर बने रहना होगा। आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन दोस्त उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो का भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने जो प्लेट लिया है, ये प्लेट मेरा ऐसे स्पीकर का है, जो ऐसा स्पीकर होता है ये भी एक ब्लूटूथ स्पीकर ही है, इसमें ब्लूटूथ होता है, सब कुछ इसमें होता है। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर है, आप लोगों के पास में जो सवाल अभी ब्लूटूथ स्पीकर है वो आप ले लेंगे और ले करके आप उसको ओपन कर लेंगे। मैंने इसको ले लिया, ले करके इसको खोल करके, वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए मैंने आप लोगों को खोल कर नहीं दिखाया, नॉर्मल होता है, खोलना बिल्कुल सिंपली होता है, कैसे खोलना वो आप लोगों को मालूम होगा, आराम से उसको खोल सकते हैं। तो मैंने उसको ओपन कर लिया करके मैंने प्लेट बाहर निकाल लिया। अब जो भी मुझे करना है ना अब इस प्लेट में करना है। अभी से दोस्त आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ पे वायर ज्वाइंट किया था, कहाँ पे मैंने माइक लगाया था, फिर आप लोग बना नहीं पाओगे, फिर आप बोलोगे कि गलत वीडियो बना दिया है आपने। तो दोस्त आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप नहीं करना है और बिल्कुल अच्छे से देखना है आप लोगों को। अभी से भी अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों का एक मिनट एक सेकंड लगता है वीडियो लाइक करने में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ, जिससे आप लोग अपना नेकबैंड, ब्लूटूथ, ईयरबड्स, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो उसको आप खुद से सही कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आप लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे मैं लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं इसको बताता हूँ किस तरह से इसको हम इसमें माइक लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, आप लोगों को एक माइक की ज़रूरत होगी। आप लोगों को इसको देखिए, ये माइक होता है, ऐसा माइक मिल जाता है, आप लोग जाएंगे ना जाकर किसी मोबाइल की दुकान पर बोलेंगे माइक चाहिए मेरे को, तो आप लोगों को इस तरह का एक माइक मिल जाएगा। ऐसा माइक नहीं मिलेगा तो आप लोगों को इस तरह का एक माइक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई सा माइक लेकर के आ जाना है, इस तरह का माइक ले लेना है, या फिर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा हैवी वाला है तो मैं ये वाला माइक में ले लगा करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, जो माइक आपको मिल जाए वो आप लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला माइक लेता हूँ और इसमें वायर ज्वाइंट करना होता है, ठीक है। तो इसमें वायर ज्वाइंट करने के लिए तो ये छोटा वाला लेंगे तो इसमें तो आप लोग माइनस प्लस दिखाई दे देगा, देखिए इसमें माइनस प्लस आप लोगों को दिखेगा, मैं थोड़ा आप लोगों को सही से दिखा, देखिए माइनस प्लस आप लोगों को इसमें तो दिख जाएगा आराम से, यहाँ पर ये प्लस है और इधर वाला माइनस है, लेकिन इस वाले में आप लोगों को प्लस माइनस कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कहीं भी इसमें प्लस माइनस का कोई भी आप लोगों को पहचान नहीं है, आप लोगों को पहचान नहीं है मैं बता दे रहा हूँ इसका माइनस प्लस। अगर ऐसा मिल जाए आप लोगों को तो आप लोगों को वैसे ही करना है, इधर देखिए इधर दो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और इधर आप लोगों को एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इधर जहाँ पर दो लाइन है ये प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया, तो आप लोगों को प्लस वाला इधर जोड़ना है, माइनस वाला इधर जोड़ना है। मैं जोड़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है, वैसे कनेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वैसे ही आप लोग भी कनेक्ट कर लेंगे ये वाला माइक अगर आप लोगों को मिल जाता है तो, ठीक है। बाकी अगर आप लोग छोटा वाला माइक मिलेगा तो उसमें तो दिखाया गया है कि किधर प्लस लगाना है किधर माइनस लगाना है, उसमें तो दिया गया है सामने, तो उसमें आप लोग वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं ज्वाइंट करके, इस तरह से आप लोग भी ज्वाइंट कर लीजिएगा। देखिए प्लस वाले को मैंने प्लस में कर लिया और माइनस वाले को मैंने माइनस पे ज्वाइंट यहाँ पे कर लिया है, तो इस तरह से आप लोग भी ज्वाइंट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसके बीच में कुछ भी और दूसरा कोई वायर वायर ना रहे, आपस में ये कनेक्ट ना होता होगा, कनेक्ट होता होगा तो फिर आवाज़ सही नहीं आएगा, माइक काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल ही साफ़ रखना है, इसमें थोड़ा सा भी बीच में कोई वायर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया, कर लिया हमने ये वायर ज्वाइंट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा वायर रखेंगे ना, मैंने बड़ा वायर ये जानबूझ के रखा है मैंने, ताकि मैं आप लोगों को बोल के सिर्फ दिखा सकूं, और वायर आप लोगों का बड़ा रहेगा तो ये किसी बच्चे को भी आप लोग दे पाएंगे, ऐसे आप इसको मैं कनेक्ट करने के बाद में इसको किसी को दे देंगे, किसी बच्चे को जितना बड़ा रखना चाहें उतना बड़ा आप लोग इस वायर को रख सकते हैं, माइक बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा, एक मीटर दो मीटर जितना लंबा उतना मीटर रख लीजिए लंबा, और आप दे सकते हैं, फिर ये माइक की तरह काम करेगा, जैसे माइक में बोलते हैं अलग अलग बच्चा लोग गाना वाना गाता है तो वैसा ये लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने फिर भी इतना बड़ा मैंने वायर ले लिया है, ठीक है। आप लोग भी जितना बड़ा वायर लेना हो ले सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे कनेक्ट कहाँ पे करना है, आप लोग सही से देखना है। सबसे पहले माइनस वाला वायर जो है ना इसका, तो माइनस आप लोगों को कहीं से भी मिल जाता है, कोई सा भी माइनस का पॉइंट होता है तो माइनस आप लोग कहीं से भी उठा सकते हैं। मैंने एक जगह यहाँ पर स्क्रेच करके रख रखा है, तो मैं यहाँ से माइनस का पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये आप लोग दिख रहा होगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पर माइनस का पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को जॉइंट करके। तो आप लोग कहीं एक जगह से माइनस का पॉइंट ले सकते हैं। अगर कहीं से भी आप लोग माइनस का पॉइंट नहीं मिला तो आप लोग माइनस यहाँ से ले सकते हैं, इस पर कनेक्ट कर लेंगे, इसके किसी भी एक जगह से कनेक्ट कर लेंगे आप लोग माइनस का पॉइंट, वहाँ पे माइनस प्रॉपर मिल जाता है, तो माइनस वहाँ से ले लिया मैंने। अब बात है प्लस का कि प्लस कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ पूरा को, सेट करके मैं आप लोगों को प्लस वाला दिखाता हूँ। तो जो भी हमारा बैटरी वैटरी था, पहले बैटरी चाहिए हम लोगों को इसमें बैटरी कनेक्ट करने के लिए, तो देखिए बैटरी आप लोगों के पास में है तो बैटरी ले लीजिए, और बैटरी लेकर के इसका कनेक्शन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, जैसे इसका कनेक्शन करते हैं उस तरह से आप लोग इसका कनेक्शन कर लीजिएगा। तो मैं बैटरी ले लेता हूँ, और ये बैटरी मेरे पास में है, लेकर के मैं इसका कनेक्शन कर ले रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी कर लेंगे। मेरे पास में ये वाला बैटरी पड़ा तो मैं ये वाला बैटरी से कर ले रहा हूँ कनेक्शन, वैसे आप लोग भी कर लेंगे कनेक्शन, आपके पास में जो है उसको कनेक्शन कर लेंगे आप लोग। तो मैंने ये वाला बैटरी था मेरे पास में, मैंने इसको कनेक्शन कर लिया ताकि मैं इसमें लगा के इसको ऑन करके आप लोगों को दिखा सकूं इस प्लेट को। ऐसा आप लोग के पास में प्लेट होगा तो वो भी आप लोगों को ऑन करना होगा किसी बैटरी की मदद से, तो आप लोग उसको ऑन कर लीजिएगा। तो ये मैंने इसमें लगा लिया, ये ऑन भी होगा, मैं ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ऑन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, ठीक है। फ़िलहाल मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे नॉर्मली लगा लिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे एक स्पीकर कनेक्ट करना है, आप लोग के पास में जो भी स्पीकर है आप वो स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगा करके रख रखा है, तो मैंने ऐसा स्पीकर मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह का मैंने दो स्पीकर ले लिया है, आप लोग के पास में दो स्पीकर तो दो लीजिए, एक है तो एक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में दो स्पीकर पड़ा है तो मैं दो स्पीकर लगा करके दिखा देता हूँ, ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को आवाज़ समझ में आए, ठीक है। तो मैंने दो स्पीकर लिया है, और ये जैसे मैंने कनेक्शन किया ना, ये आप लोग देख लीजिए, एक रेड वायर लिया मैंने और एक स्पीकर के इस कनेक्शन से लेकर के और दूसरे वाले कनेक्शन में यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। फिर एक मैंने ब्लू वायर लिया है और इसको एक यहाँ से कनेक्ट करके और दूसरे छोर पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, यानी कि दो वायर उठा करके दोनों वायर मैंने दोनों स्पीकर में कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे को एक अलग से और वायर चाहिए, तो मैंने ये ऐसा वायर एक ले लिया मैंने, ठीक है। तो और इस वायर को लेकर के मैं स्पीकर में जॉइंट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास में ऐसा जैक वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा जैक वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको जॉइंट कर लेता हूँ। प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता है कि किसी को भी कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया, एक तरफ प्लस लगा दिया, एक तरफ माइनस लगा दिया, ऐसे आप लोग भी इसको लगा देंगे। तो ये तो मैंने जॉइंट कर लिया भाई, ऐसे आप लोग भी जॉइंट कर लोगे, और करने के बाद में देखिए अगर ऐसा जैक नहीं है ना आपके पास में तो कोई बात नहीं है, वायर कटा हुआ रहेगा, उस वायर कटे हुए को कहाँ पे लगा लेना है। देखिए ये जो है ये स्पीकर का पॉइंट है, ये यहाँ पे आप लोगों को एसपी लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे एसपी प्लस और एसपी माइनस आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। देखिए दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर एसपी प्लस और एसपी माइनस लिख रहा है। तो आप लोग अगर आप लोगों का ऐसा जैक वाला नहीं है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि बस ऐसे जैक वाला अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो जो इसका प्लस वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर लगाइए और माइनस वाला यहाँ पर लगाइए, या फिर प्लस माइनस छोड़िए, आप लोग दोनों स्पीकर के वायर को एक को यहाँ पर लगा देंगे और एक को यहाँ पर लगा देंगे, एक को यहाँ पर एक को यहाँ पर, दोनों पर लगा देंगे। इसमें स्पीकर का वायर है तो प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई वायर लगा दीजिए, आराम से वायर बजने लगेगा, ये बजने लगेगा स्पीकर। लेकिन मेरे पास में जैक है तो मैं जैक को लगा ले रहा हूँ, ये जैक वाला है मेरे पास में, तो मैं जैक को जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर मैं इसको नॉर्मली बस क्या कर रहा हूँ लगा ले रहा हूँ, ठीक है। दो स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, मैं एक यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक ही में कनेक्ट करके मैंने दोनों को लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो काम हो गया है, अब मैं इसको ऑन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऑन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये ऑन भी हो गया है, ये ऑन हो गया है, तो ये ऑन हो गया है।
अब मेरे को इसका प्लस वाला वायर कनेक्ट करना है, जो मैंने माइक लगाया है ना ये, इस माइक का प्लस वाला वायर कनेक्ट करना है कि ये प्लस वाला हम कहाँ पे लगाएं कि हमारा ये माइक जो है ये काम करने लगे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आप लोगों को ये वाला आईसी दिख रहा है, बड़ा वाला आईसी आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग अपने प्लेट में ढूंढना है कि ये बड़ा वाला आईसी कहाँ पर है। अब देखिए ये वाला आप लोग आईसी जो दिख रहा होगा ना, ये वाला आईसी आप लोगों को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक इसके बीच में से एक जम्पर आता हुआ दिखाई देगा, वायर आता हुआ दिखाई देगा, यहीं पे आप लोगों को कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहीं पे इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा जम करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस आईसी से यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसे वायर आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रैच करना है और करके यहीं पर ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर बस ज्वाइंट कर देता हूँ, सिंपली जैसे ज्वाइंट करते हैं वैसे ही ज्वाइंट में इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे आप ज्वाइंट कर दिया, ऐसे आप लोग भी आप ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया। चलो देखिए आप लोग यहाँ पे ज्वाइंट मत करिएगा, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करना है। आप लोग उधर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप लोग एक छोटा सा ऐसा आईसी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एकदम सेम प्लेट आप लोगों का होगा, ऐसा ही प्लेट होगा तो आप लोग ऐसे ज्वाइंट कर पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्लेट अगर आप लोगों का चेंज होगा तो आप लोग उसका फोटो खींच करके मेरे इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास में ऐसा प्लेट है तो आप बिल्कुल ही ऐसे देख करके कर पाएंगे। ये वाला जो आईसी है, इस आईसी के यहाँ पर आप लोग ज्वाइंट करना, जहाँ पर मैंने वायर ज्वाइंट किया है वहीं पर आप लोगों को ज्वाइंट करना। देखिए मैंने जहाँ पर ज्वाइंट किया ना वहीं पे आप लोगों को ज्वाइंट करना है, ठीक है। और ज्वाइंट करने के बाद में बस ये काम हमारा इतना हो गया है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि माइक भी काम करेगा, इस माइक को मैं बजा करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्त अगर आप लोग अभी तक वीडियो मेरा लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को दोस्त लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छी वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो हमारे चैनल को जरूर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ माइक कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं ये मेरा माइक है जो मैंने बनाया है, अब मैं इसमें बोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये माइक काम कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि माइक काम नहीं कर रहा है। देखिए बोल के दिखाता हूँ, हेलो 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 हेलो, तो ये माइक काम कर रहा है। हेलो हेलो, फिर से मैं कुछ रख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। हेलो हेलो हेलो, तो ये थोड़ा सा इसका वायर आप लोग बड़ा भी कर लेंगे, इसका वायर थोड़ा सा आप लोग बड़ा भी कर लेंगे, मैंने बोल के दिखा दिया। इसमें इसका वायर आप लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बच्चे को दे देंगे किसी बच्चे के हाथ में, वो इसमें गाना वाना भी गा पाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेना होगा और बना करके किसी बच्चे को दे देंगे, किसी चीज़ में इसको आप लोगों को सेट कर लेंगे और बच्चे को दे देंगे। तो ये माइक का भी काम करेगा, फ़ोन आए तो आप लोग बात भी कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे इससे। अभी माइक मतलब प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, चाहे आप इसे कॉल से बात कीजिए या फिर आप माइक बना के किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा दीजिए गाना गाने के लिए। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरह से आप लोगों को ये बनाना है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई सा भी डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर आप लोगों का प्लेट अगर चेंज है ना, अलग प्लेट है, तो आप उस प्लेट का फोटो लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर उसका फोटो भेजिए, हम वहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कहाँ पर उसको ज्वाइंट करना है। इतना आप लोगों को काम करना होगा दोस्त। अभी से वीडियो अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग लेकर के आता रहता हूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।